गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, आई एम सुशिशवान फ्रॉम हैप्पी कैंपस स्कूल। बच्चे, हमने ये 2 चैप्टर पढ़ा था, परिश्रम की कमाई। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 11 पे आ जाइए। बच्चे, सबसे पहले तो आपके ये शब्दार्थ है, मैंने आपको कहा था ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये आप कर चुके होंगे, जिन बच्चों ने नहीं किया है तो ये अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम 1 क्वेश्चन पर। गांव के लोग गांव छोड़कर क्यों जाने लगे? तो बच्चे, इसका आंसर है गांव के लोग गांव छोड़कर इसलिए जाने लगे क्योंकि गांव में अकाल पड़ा था, जिस वजह से खाना तो दूर, पीने के लिए पानी के भी लाले पड़ गए थे। तो बच्चे, 1 का आंसर ये है। अब आते हैं सेकंड पर। चोर के द्वारा चुराया गया धन मिट्टी क्यों बन गया? चोर के द्वारा चुराया गया सारा धन मिट्टी बन गया क्योंकि धन उसी को मिलता है जो परिश्रम करता है, बिना परिश्रम किए धन मिट्टी हो जाता है। अगला है, हमारे काम क्या आता है? बस परिश्रम से कमाया गया धन ही मनुष्य के काम आता है, अर्थात मेहनत से कमाया गया धन, और मेहनत से किए गए कार्य ही सफल होते हैं। बच्चे, ये 3 क्वेश्चन हैं। पार्ट 2 डालोगे, परिश्रम की कमाई लिखोगे, डेट डालोगे आज, ठीक है। और ये आपको तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना है, रीडर की में, ठीक है। सुंदर राइटिंग में पहले क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आंसर लिखोगे। जब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए आपकी नोटबुक में, तो एक लाइन छोड़ के फिर सेकंड करोगे। सेकंड भी बच्चे इसी तरह से करना है, जब सेकंड कंप्लीट हो जाए तो एक लाइन छोड़ के थर्ड करना है, ठीक है। अब बच्चे पेज नंबर 12 पे चलते हैं। सही उत्तर पर सही टिक का निशान लगाओ। कौन सा गुण मनुष्य के सारे दुखों को समाप्त कर देता है? प्रसन्नता, परिश्रम या चोरी? तो बच्चे, आंसर है इसका परिश्रम। परिश्रम में गुण है मनुष्य के सारे दुखों को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है, गांव में क्या हुआ? अकाल पड़ गया, या बाढ़ आ गई, या सूखा पड़ गया? तो बच्चे, आंसर है अकाल पड़ गया था। राजा ने किसकी सलाह पर तालाब खुदवाया? मंत्री की, महात्मा की या सेनापति की? बच्चे, आप जानते ही हो कि महात्मा की सलाह पर ही तालाब खुदवाया गया था। बच्चे, इसके आंसर मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, परिश्रम, अकाल पड़ गया, महात्मा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, धन, तालाब, सफल, महात्मा जी, मेहनत। सबसे 1 क्वेश्चन है, डैश की कमाई से खाई गई रोटी चाहे वह सूखी ही क्यों ना मीठी लगती है। किसकी कमाई? मेहनत, मेहनत की कमाई से खाई गई रोटी वह भी क्या होती है? मीठी लगती है। गांव वाले डैश की खुदाई करने लगे और गांव छोड़कर जाने का इरादा त्याग दिया। तो बच्चे, इसमें क्या आएगा? तालाब, गांव वाले तालाब की खुदाई करने लगे। नेक्स्ट है, गांव वाले रोज तालाब खोदते और शाम को डैश से पैसे प्राप्त कर ले। किससे प्राप्त करते थे? महात्मा जी से पैसे प्राप्त कर लेते थे। अगला है, चोर ने पूरी कुटिया को अच्छी तरह छान मारा परंतु उसे कहीं डैश नहीं मिला। क्या नहीं मिला था बच्चे उसको? धन, क्योंकि चोर महात्मा जी की कुटिया में घुस गया था, उसने सारी कुटिया छानी पर उसको कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें आएगा यहाँ पर धन। मेहनत से किए गए कार्य डैश होते हैं, क्या होते हैं बच्चे? सफल होते हैं। ये बच्चे इसके आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मेहनत, तालाब, महात्मा जी, धन, सफल, ठीक है। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर। सही कथन पर सही टिक तथा गलत कथन पर
गलत का निशान लगाओ। मेहनत से कमाया गया धन ही मनुष्य के काम आता है। तो बच्चे ये राइट है। गांव में बाढ़ आ गई थी, बच्चे नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि गांव में तो बच्चे अकाल पड़ गया था, खाने का और पीने का अकाल पड़ा था, तो ये रॉन्ग आंसर है। महात्मा जी ने गांव में एक तालाब खुदवाने की सलाह दी, राइट है। महात्मा जी ने ही कहा था कि एक गांव में तालाब खुदवाया जाए, ये बच्चे राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, एक दिन राजा के महल में चोर चोरी करने गया, ये बच्चे रॉन्ग है, क्योंकि चोर तो महात्मा की कुटिया में गया था चोरी करने, तो ये रॉन्ग आंसर। चोर ने चोरी ना करने की प्रतिज्ञा की, बच्चे ये राइट आंसर है, चोर ने चोरी ना करने की प्रतिज्ञा की। अब बच्चे देखो, मैंने इसके यहाँ पर कर रखे हैं ट्रू फॉल्स, फर्स्ट का है राइट, सेकंड का रॉन्ग, थर्ड का राइट, फोर्थ का रॉन्ग और फिफ्थ का राइट। ये बच्चे यहाँ तक ही आपको ये कार्य करना है, क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं और 2, 3, 4 क्वेश्चन पेज नंबर 12 पे है, ये आपको बुक में ही करना है, ठीक है। आगे के बच्चे जो क्वेश्चन है, आगे की एक्सरसाइज है, वो बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।